सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था एक अरसे तक आर्य लोग हिंदुस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान तक ही महदूद रहे जिसे वो ब्रह्मवर्त कहते थे। बाद में जब वो गंगा और यमुना के मैदानों में आकर बस गए तब अपने इस नए वतन को आर्यवर्त कहने लगे। पुराने जमाने की तमाम तहजीबों की तरह आर्य भी नदियों के किनारे ही आकर बसे। माधव चला अग्नि वैश्वानर को जब मुख में लेकर चला जलाता सरस्वती के पूर्वी तट के सभी चराचर भस्म वनस्पति प्राणी जगत भी सूखी सरिता रही रेत भर बहती रही सदा नीराही उत्तर में हिम पर्वत ऊपर नहीं बढ़ सके थे ब्राह्मण भी उस नदिया को कभी पार कर फैला हुआ सदा नीरा के पूर्वी तट पर गहरा दलदल पार नहीं अब तक था पाया वैश्वानर ने धरती ऊसर यज्ञ के ब्राह्मण ने शत शत उपजाऊ है अब धरती वो शीतल जल को लेकर बहते तपे दिनों में भी सरिता वो पूर्व दिशा में रहता माधव अग्निदेव की अनुमति लेकर कौशल और विदेह देश की सीमा बनती सरिता बहकर उत्तर ऋग्वेद काल की आबादी पशुपालक वैदिक लोगों किसानों और आदिम कबीलों का मिला जुला रूप थी। ये हिंद आर्य समूह लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व में पंजाब से पूरब की ओर बढ़ने लगे। ये लोग मूल वैदिक लोगों से पूरी तरह भिन्न थे। इस दौर की विशेषता थी लोहे का इस्तेमाल। शुरू में लोहे के हथियार ही बनते थे
धीरे धीरे औजार भी बनने शुरू हुए। खेती के लिए लकड़ी के हल का इस्तेमाल शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और लकड़ी का सामान तैयार करने की तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई। जोतता धरती लिए वो बैल छे, बैल छे, और ऋतुएं हैं हमारी छे, हमारी छे। जोतता ऋतुओं सहित वो, जोतता ऋतुओं सहित वो, जोतता है बैल ले बारा, बारा, जोतता है वर्ष के संग वो, है वर्ष के संग वो। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य गंगा घाटी के घने जंगली इलाके को साफ करने और जोतने में लोहे के औजारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, जिससे पैदावार बढ़ने लगी। यहां तक कि खपत से ज्यादा उत्पादन होने लगा, जिसके आधार पर ग्रामीण बस्तियों और नगरों की स्थापना हुई। ये अतिरिक्त उत्पादन एक ऐसे सामाजिक स्वरूप में ही संभव था जिसमें बड़े पैमाने पर श्रम उपलब्ध हो सके। नए समाज में एक गुलाम शूद्र वर्ग वजूद में आया और ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ग या वर्ण समाज में उभरने लगे। आदि पुरुष के यज्ञ में पुरुष की हवि की देवता होने की धारणा, गृत हुआ वसन ग्रीष्म ईंधन, हवि की शरद ऋतु में की कल्पना। पुरुष को बांटा देवों ने कितने अंशों में, मुख था कान, भुजाएं थी कान, जंघाएं कान, चरण था कान। पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र निकला था। इस तरह भारत में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो शूद्रों की श्रम शक्ति पर आधारित थी। उसी दौर में यूनान और मिस्र में दास प्रथा का विकास हुआ, मगर शूद्रों को यूनानी गुलामों पर होने वाले अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ा। शुरू में शूद्र कबीले का हिस्सा थे और वो कबायली समारोहों में भाग ले सकते थे, लेकिन बाद में जब नगरों का विकास होने लगा तब शूद्रों के ऊपर कई तरह के अंकुश लगा दिए गए। रामायण में राम ने शूद्र शंबूक को तप करने के अपराध में मृत्युदंड दे दिया था। इस कथा से राम की क्रूरता का नहीं बल्कि उस दौर के ब्राह्मणों की स्वार्थपूर्ण भावना का प्रदर्शन होता है, जिसके आधार पर इस कथा को बाद में रामायण में जोड़ा गया। तू तो अभी बच्चा था, तूने तो 14 वसंत भी नहीं देखे। देख देख तो तेरी माँ का हृदय चूर चूर हुआ जाता है, तुझको खोकर वो भी नहीं जीना चाहती है। मेरा बेटा सुबह ही अकाल के मुंह में चला गया। प्रतापी राजा राम, क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा ही होगा? राम, हाँ राम ही है दोषी, यदि उनके सिंहासन पर बैठने से एक अबोध बालक की मृत्यु हो सकती है। महाराज को दोष क्यों देती है ब्राह्मणी? अरे ये तो तेरा अपना कर्म है। अपना कर्म? हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? भगवान ही जानता है मैंने कभी अपने मुंह से असत्य वचन नहीं कहे, कभी किसी पशु का वध नहीं किया, कभी किसी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाया। ओ राजा राम, हमारे पुत्र के प्राणों को वापस लौटा दो, वापस लौटा दो, नहीं तो हम तेरे ही राज दरबार के सामने अपने प्राण दे देंगे। हम ब्राह्मणों की हत्या का पाप तुझे ही लगेगा। यदि ब्रह्म हत्या करके तुम सुख से जी सको तो हे राजा राम, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम
अपने भाइयों के साथ सुख से जियो। अपने आप को एक श्वाकु वंश के महान शासक समझने वाले और राजा राम, सुन लो, जिस राज्य में अबोध बालकों के प्राणों की सुरक्षा नहीं है, वहाँ की प्रजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। जब कोई राजा अपने कर्तव्य पालन में असफल होता है, तभी ऐसी घड़ित घटनाएं होती हैं। पाप पड़ता है, अकाल मृत्यु होती है, चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है। इस ब्राह्मण ने जो आरोप लगाया है, उस विषय पर मैं आपसे सलाह चाहता हूं। लगता है मेरे ही किसी अपराध के कारण उसके पुत्र की मृत्यु हुई है। महाराज, पहले उस बालक की अकस्मात मृत्यु का कारण सुने, उसके पश्चात जो आप उचित समझें वो करें। मैं आपके परामर्श की प्रतीक्षा कर रहा हूं देवर्षि। हे यशस्वी महाराज, सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तप करके उसके फलों को प्राप्त कर सकते थे। उस युग में अकाल मृत्यु नहीं होती थी, केवल ज्ञानी ही शासक होते थे। त्रेता युग के अवतरित होने पर चार वर्णों का निर्माण हुआ। ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रियों को भी तप करने का अधिकार मिल गया। वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार सभी वर्ण विधिवत स्वधर्म का पालन करते थे। द्वापर युग के आने पर जब अधर्म बहुत बढ़ गया, तब वैश्यों को भी तप करने का अधिकार मिल गया, किंतु शूद्रों के लिए इस युग में भी तप करना सर्वथा वर्जित था। राजन, केवल कलयुग में यह संभव है कि शूद्र तप कर सकें। त्रेता युग में ही नहीं, द्वापर युग में भी यदि कोई शूद्र तप करता है तो वो महान पाप है राजन, महान पाप। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? क्या हमारे राज्य में ऐसी कोई तपस्या की जा रही है? हां भूपति, उच्चता प्राप्त करने की इच्छा से एक शूद्र शंभुक ने तप करने का साहस किया है, उसे निश्चय ही मृत्युदंड मिलना चाहिए। यदि कोई मोक्ष पाने के लिए तप कर रहा है तो उसे मृत्युदंड कैसे दिया जा सकता है महामुनि? महाराज, आपने रावण को भी तो मृत्युदंड दिया था, क्या वो एक महान तपस्वी नहीं था? हाँ, किंतु वो एक महापापी भी तो था। फिर भी वो एक ब्राह्मण था और ये तो एक शूद्र है, और इसका इस युग में तप करना ही उसके मृत्युदंड का एक बहुत बड़ा कारण है। महाराज, तो फिर क्या शंभुक पापी है? महाराज, यदि राजा शूद्र को दंड नहीं दे सकता तो उसे अवश्य नरक लोक मिलता है। धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा कीजिए महाराज, अपनी प्रजा को दीर्घ आयु दीजिए, इस ब्राह्मण बालक को पुनः जन्म प्राप्त करने दीजिए महाराज। किसान समुदायों में आदिम शिकारी और अन्न बटोर कबीले बड़ी तादाद में शामिल किए गए, लेकिन उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर सस्ते गुलाम मजदूरों की तरह रखा गया। गुरुदेव, कुत्ते ने भूखना बंद कर दिया। उधर कोई है जो हमारे शिकारी कुत्ते पर बाण छोड़ रहा है? अवश्य इन जंगलों में रहने वाला कोई निषाद होगा, चलो चलकर देखते हैं। सबसे पहले की अछूत जातियों में थे दो शिकारी कबीले, चांडाल और निषाद। महाभारत की एकलव्य की कहानी में उत्तर वैदिक काल में ऐसे कबीलों के प्रति व्याप्त रवैये की झलक मिलती है। बाण से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया गया है, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार, ऐसा कौन कर सकता है? चलो आगे चलकर देख। कौन हो तुम? इस राजवन में आखिट करने का तुमने साहस कैसे किया? गुरुदेव, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे गुरुदेव कहने वाले, मुझसे आशीर्वाद चाहने वाले तुम हो कौन? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। गुरुदेव,
मैं एकलव्य नाम का एक निषाद हूं। अपने ही कबीले के सरदार व्याधराज का पुत्र हूं मैं। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं। 10 वर्ष पहले मैं आपके पास शिष्य बनने आया था। तब आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया था। ठीक ही किया था मैंने, क्योंकि मैं केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, तुम जैसे निम्न वर्ग में पले हुए व्यक्ति को नहीं। गुरुदेव, यदि मैं निम्न वर्ग में पैदा हुआ हूं तो इसमें मैं क्या कर सकता था? मेरे पास चुनाव की कोई सुविधा थी क्या? गुरुदेव, मेरी प्रतिभा और कुशलता का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य यदि अनचाही व्यवस्था में जन्म लेता है तो यह उसका भाग्य है, तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु तुमने इतनी विद्या सीखी कहां से? इतनी विद्या तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। गुरुदेव, यह सब आप ही की कृपा है। मेरी कृपा? जी हां। आइए, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। गुरुदेव, ये मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है, इसी से मुझे प्रेरणा मिलती रही। गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। राजकुमार, आज मैं जो कुछ भी हूं गुरुजी की कृपा से हूं। गुरुजी, मेरी इच्छा है आप मुझसे गुरुदक्षिणा मांगिए। परंतु क्यों, मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? गुरुजी, मुझे इस तरह से ठुकराइए नहीं। गुरुदेव, क्या आप सम्मान चिन्ह के रूप में भी गुरुदक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे? भला इसमें क्या दोष है, आप इसकी अभिलाषा पूरी करें गुरुदेव। अच्छा, तुम आग्रह करते हो तो, परंतु तुम दे नहीं पाओगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव, आप आज्ञा तो कीजिए। रहने दो, तुम दे नहीं सकोगे। क्यों नहीं दे पाऊंगा गुरुदेव? गुरुदेव, मैं कौरवों या पांडवों का पुत्र बेशक ना हूं, लेकिन व्याधराज का पुत्र हूं मैं। आप कहें तो अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में रख दूं। नहीं, धन नहीं चाहिए मुझे। तो फिर तो सुनो, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये आपने क्या मांग लिया गुरुदेव, आप आशीर्वाद दे रहे हैं शाप? यही तो कह रहा था, दक्षिणा मांगिए, दक्षिणा मांगिए। गुरुदेव, मैं आपको अपना अंगूठा जरूर दूंगा, लेकिन एक प्रश्न पूछूं। कैसा प्रश्न? गुरुदेव, क्या कभी आप अपने इस अर्जुन से उसका हाथ मांग सकेंगे? क्या कभी भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? और मांगेंगे भी तो क्या वो देंगे? फिर आपने मुझसे मेरा अंगूठा क्यों मांगा? गुरुदेव, क्या आप अपने ही हाथों अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे? ठीक है, तो मत दो और चलते बनो। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं आपको गुरु दक्षिणा अवश्य दूंगा। लीजिए गुरुदेव अपनी गुरु दक्षिणा। ये क्रूरता क्यों गुरुदेव? धर्म की व्यवस्था के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या नहीं सीखने दी जा सकती? क्योंकि यदि वनवासियों ने युद्ध कला सीख ली तो क्या वे क्षत्रियों की तरह शक्तिशाली होने की आकांक्षा नहीं करने लगेंगे? उस वनवासी का अंगूठा छीन कर मैंने इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। पर यह अन्याय है गुरुदेव। यदि उस वनवासी को योद्धा बनने की अनुमति दे दी जाती तो अवश्य वो एक दिन तुम्हारा प्रतियोगी हो सकता था।
मगर आपकी सहायता से मैं सीख सकता था कि उसे कैसे हराया जाए। नहीं अर्जुन, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते थे। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम इस युग के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े धनुर्धर होगे, और आज मैंने अपना वो वचन पूरा किया है। नहीं गुरुवर, क्योंकि आज संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अब जब कभी भी मुझे संसार का कोई सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का अंगूठा विहीन दाहिना हाथ मेरी खिल्ली उड़ाएगा। शंबूक और एकलव्य की कथाओं से हमें उस समाज की जानकारी मिलती है जिसमें प्रचलित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्तर सबसे ऊंचा था, और ब्राह्मण इस दर्जे को बरकरार रखने के लिए जुटे रहते थे। फिर भी ब्राह्मणों की इच्छाओं और वास्तविक स्थिति में काफी फर्क था। जाति प्रथा में कुछ हद तक लचीलापन भी था, जिसकी एक झलक हम तीन पिताओं का पुत्र नामक कहानी में देख सकते हैं। सूर्य प्रभा प्रेतस्य प्रेतत्व निवृत्ति उत्तम लोक प्राप्त्यर्थं सद्गति प्राप्ति द्वारा पिंड दान मां करिष्ये। किस हाथ में पिंड सौंपूं? महामहिम, इन हाथों में से एक हाथ निश्चित ही सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति का है, क्योंकि उसके कलाई पर रस्सी का चिन्ह है। दूसरा किसी ब्राह्मण का हाथ प्रतीत होता है, क्योंकि अपने हाथ में पवित्र धूप पकड़े हुए। तीसरे हाथ के लक्षण राजसी है, उसने राजसी अंगूठी पहन रखी है, इसलिए वह राजा का हाथ है। तब तो राजा के हाथ में ही पिंड को रखना चाहिए। शायद हमें पुकारना चाहिए, जो सच्चा पिता हो वही पिंड स्वीकार करे, दूसरा कोई नहीं। ओ चंद्र प्रभा के पिता, दर्पण को स्वीकार करने के लिए अपने हाथ फैलाए। इस सबका क्या मतलब है? मैं ब्राह्मणों से विचार विमर्श करने के बाद आपको सूचित करूंगा राजन। हे राजन, तुम तीन हाथों वाली कथा नहीं सुनोगे, जो केवल मुझे मालूम है। औरत, तू क्या जानती है? वह सब तो ब्राह्मणों का काम है कि पता लगाए। पहले मेरी कथा सुन लो, फिर ब्राह्मणों को निर्णय करने दो कि क्या करना चाहिए। ताम्रलिप्ति के समुद्र तट पर बसे नगर में एक व्यापारी रहा करता था, जिसका नाम था धनपाल। वो धनिकों में भी धनिक था और अपने छोटे से परिवार में बहुत सुखी था। उसकी पत्नी का नाम था शीलवती और बेटी का नाम था धनवती, जो विवाह योग्य थी। एक दिन अचानक ताम्रलिप्ति के राजा जनासंघ ने उनके यहाँ राजकीय सेवक भेजा और कहलाया कि धनपाल तुरंत राजकीय वस्तुओं के व्यापार के लिए समंदर पार चला जाए। पिताजी, पिताजी, माँ, पिताजी के लिए बंदरगाह से दूत आया है, जल्दी करने को काश। शोर मत करो, तुम्हारे पिताजी अंदर हवन की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम भी चलकर के प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी यात्रा सफल हो जाए। वणिज इंद्र हे आओ, बिनती है नायक बन आओ। पथिक लुटेरो जानवरों को हमारे पंथ से हटाओ, हमको धन दिलाओ, धन दिलाओ। धरती आसमान के बीच बिछे पंथों पर दूध और घी की नदियां बहाओ, वणिज का लाभ दिलाओ, लाभ दिलाओ। हमें मूल धन पर विपुल लाभ हो, लाभ हो क्रय में विक्रय में भी लाभ हो। धन कभी न्यून नहीं हो, प्रतियोगिता भी लाभ कर हो। हे अग्ने, ये हवन सिद्ध हो, हमारे लाभ नाशकों का नाश हो।
चिंता की कोई बात नहीं है, मैं धनवती बिटिया के ब्याह से पहले जरूर लौट आऊंगा, और अगर मेरी ये यात्रा सफल रही तो हमारे पास अपार धन होगा। आप राजकीय वस्तुओं का भार अपने ऊपर लेते ही क्यों हैं? वैसे भी समुद्री यात्रा इतनी कठिन होती है, कहीं कुछ हो गया तो? अरे पगली, कुछ नहीं होगा, और इस जोखिम के बदले में ही तो मुझे मुनाफे में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तुम मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो, धनवती का अच्छी तरह से ख्याल रखना। वैश्य वर्ण में किसान, चरवाहे, दस्तकार और वणिक यानी व्यापारी भी शामिल थे। वैश्य ही मुख्य करदाता थे, जिनके करों, चुंगी और उपहारों के आधार पर ही ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी गुजर बसर करते थे। व्यापारी कभी कभी राजा की तरफ से भी व्यापार किया करते थे, जैसे कि हमारी कहानी का व्यापारी धनपाल। राजकीय वस्तुओं का व्यापार करने के लिए धनपाल तो चला गया समंदर पार। कई मास बीत गए। महाराज, मैं बंदरगाह से आ रहा हूँ। दुखद समाचार है, आपकी पूरी व्यापारिक संपत्ति तूफान में नष्ट हो गई। ये समाचार तुम्हें कैसे मिला? हमारे जलयान के पास एक और जलयान जा रहा था, उसके चालक ने डूबते लोगों में से एक को सहारा दिया, उसी ने उसे तूफान के बारे में बताया, फिर वो वहीं मर गया। हमारे जलयान का एक भी आदमी नहीं बचा महाराज। ये किसका जलयान था? धनपाल का महाराज। ओ, दुष्ट धनपाल ही हमारी हानि का कारण है। उसकी कोई संतान है? केवल एक पुत्री है महाराज। ठीक है, उसकी पूरी संपत्ति पर अधिकार कर लो और उसकी कन्या को हमारे राजमहल में ले आओ। जी। शीलवती, शीलवती। शीलवती, बहन, तुम दक्षिण वाले मार्ग से बाहर निकल जाओ। इस समय वहाँ लोगों का कम आना जाना होता है, तुम्हें छुपने छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया इतनी सहायता के लिए। आज तुमने एक विधवा और उसकी बच्ची की जान बचा ली। नहीं नहीं बहन, पड़ोसी मदद के लिए ही तो होते हैं। चलो चलो। ऐसे कैसे हुई? मुझे देशद्रोह के आरोप में इस राज्य के नीच राजा ने यह दंड दिया है, जबकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा था। मैंने शूद्र श्रमिकों के एक दल का नेतृत्व किया। वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार ना किया जाए। इस सूली पर भी मुझे मेरी आत्मा मुक्ति नहीं दे रही है। अब भी मुझ में बदला लेने की प्रबल इच्छा है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए ही भेजा है। हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? हम तो स्वयं राजा के लोभ के शिकार हैं। मेरी माँ, मेरी प्रार्थना सुन, अपनी अविवाहित कन्या मुझे सौंप दे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी कन्या को कैसे सौंप सकती हूँ? ये तुम्हारी किस काम आएगी? मेरे मरते समय कोई पुत्र नहीं है, बिना पुत्र के मैं परलोक नहीं जा सकता, ना ही मुझ पर लगाए गए आरोपों का बदला लिया जा सकता है। ये नियोग से एक संतान को जन्म दे सकती है। इसके गर्भ में जो संतान होगी वो मेरी संतान कहलाएगी। बस यही विनती है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो।
मैं बड़े असमंजस में हूँ। मैं कैसे इसके यौवन को वैधव्य के लिए बलिदान कर दूं? दूर उस पेड़ को देखो, वहां जाकर खुदाई करो, उसके नीचे तुम्हें तीन मणियां मिलेंगी, अमूल्य मणियां। उनमें से एक तुम्हारे लिए है, दूसरी उस आदमी के लिए होगी जिससे मेरी स्त्री गर्भ धारण करेगी, तीसरी उसके लिए जो मेरे पुत्र को युद्ध कला सिखाकर क्षत्रिय के रूप में बड़ा करेगा। तभी इस धरती को उस शापित राजा से मुक्ति मिल सकेगी। लगता है भगवान ने सचमुच मुझे तुम्हारी ही सहायता के लिए भेजा है। मैं स्वयं उस नीच लोभी राजा जनासंघ से बदला लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी। मैं अपनी कुंवारी कन्या को तुम्हें सौंपती हूँ। अब मैं शांति से अपने पूर्वजों के पास जा सकता हूँ। फिर शीलवती और धनवती किसी तरह से वक्रलोक पहुंच गई। वक्रलोक पहुंचकर वासुदत्त नामक एक ब्राह्मण के यहां रहने लगी। कई दिन बीत गए। अचानक शीलवती को उस वचन की याद आई जो उसने अपनी पुत्री के पति को दिया था, यानी उस विद्रोही को जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया था। अब शीलवती दिन रात उस दिए हुए वचन को पूरा करने के बारे में सोचने लगी। बहन, बहन। आर्य। नमस्कार। सब ठीक ठाक है ना? घर पसंद आया? आपकी दया के हम आभारी हैं। सुनिए, आपने उस लड़के को ढूंढने का प्रयास किया जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। बहन, तुमने एक बहुत कठिन उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है। तुम्हारे बेटी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। यदि तुम्हारे बेटी के पति का कोई छोटा भाई होता तो यह समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती थी। उसके पति के कुल और वंश के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं जानती। हम दोनों में यही समानता थी कि हम दोनों उस दुष्ट राजा से बदला लेना चाहते थे। अरे हाँ, याद आया, पास ही विष्णु स्वामी नाम के एक विद्वान आचार्य रहते हैं। उनका मनस स्वामी नाम का एक सुंदर और युवा विद्यार्थी है। आपने उससे बात की? नहीं, मैंने सोचा पहले तुम उससे मिल लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप सोचते हैं कि लड़का अच्छा है तो मुझे आपका निर्णय स्वीकार। ठीक है, लेकिन तुम्हारी बेटी की स्वीकृति? वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। Thank you.
मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम मेरी बेटी और उसके बच्चे से मिलना बंद करो। क्या? तुम चुप करो। क्या मैं अपनी पत्नी और पुत्र से मिल भी नहीं सकता? वो तुम्हारी पत्नी नहीं। शीलवती, मेरे पुत्र की माँ मेरी पत्नी नहीं हुई तो और क्या हुई? कान खोल करके सुन लो। धनवती और उसके बच्चे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो काम तुमने किया था उसका मूल्य तुम्हें दिया जा चुका है और तुम्हारे सारे संबंध उसी क्षण समाप्त हो चुके हैं, समझे? माँ, इन्हें इस तरह ना भगाइए। क्या मूल्य चुका देने से मानवीय संबंध समाप्त हो जाते हैं? मैं और अधिक प्रश्न नहीं सुनना चाहती। अब कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। उठो। मुझे मेरी पत्नी और पुत्र चाहिए। इतनी सरलता से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। माँ, इन्हें यही रहने दीजिए। माँ, हम पे दया कीजिए। धनवती, तुम चिंता मत करो, मैं भी अपने गुरु के पास जाऊंगा। वे अवश्य कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। जहां जाना चाहते हो जाओ, पर तुरंत यहां से जाओ। चलो। अपने वचन की हमें रक्षा करनी है। भाई वासुदत्त, भाई वासुदत्त। कौन? अरे बहन, आओ आओ। कैसे आना हुआ? मुझे बुलवा लेती? ये बात अपने कानों तक ही रखना। क्यों, कोई विशेष बात है? मेरी बच्ची अपना हृदय उस ब्राह्मण युवक को दे चुकी है और वो भी उसे पत्नी मानता है। उस पर और बच्चे पर अपना अधिकार जताता है। अब वो परामर्श करने अपने गुरु के पास गया है। मेरी बच्ची रो रो कर अपनी जान दे जा रही है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तो बहन, इस होने को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? अपना वचन पूरा करने के लिए तुमने पूरे प्रयत्न किए तो। मैं तो अपनी बच्ची को सुखी देखना चाहती हूं, पर अगर दिए हुए वचन को पूरा नहीं किया तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। उसके बच्चे को जीवन में एक बहुत बड़ा काम करना है और मैं नहीं चाहती कि कोई उसे पथभ्रष्ट करे। ठीक है, तुम अपना हृदय कठोर कर एक और कार्य करो। सभी जानते हैं हमारे महाराज सूर्यप्रभा को पुत्र रत्न की लालसा है और महाराज प्रतिदिन नगर के पूरी घाट पर स्नान करने जाते हैं। तुम इस बालक को वहां छोड़ दो, महाराज की दृष्टि अवश्य बालक पर पड़ेगी। आगे प्रभु की इच्छा। कितना सुंदर है ये बालक। दंड, छत्र और पताका जैसे शुभ चिन्हों के साथ सभी कुछ इसके चक्रवर्ती होने की भविष्यवाणी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव ने स्वयं ही मुझे योग्य पुत्र दे दिया है। तुम ये सब कैसे जानती हो? कौन हो तुम? बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूं, शीलवती। और ये जो तुमने मणि पहनी है वो तुम्हारे पिता ने ही तुमको दी थी। वो विद्रोही? वो मेरा पिता कैसे हो सकता है? मुझे जन्म देने वाला तो ब्राह्मण था।
और महाराज सूर्यप्रभा ने लाड़ प्यार से मेरा पालन पोषण किया, मुझे शिक्षित किया, फिर मैं उस विद्रोही को अपना पिता कैसे मान सकता हूँ? ऐसा मत कहो बेटा, वही तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जीने का एक उद्देश्य दिया है, उनकी इच्छा पूरी करो। ताम्रलिप्ति के दुष्ट राजा जनासंघ का नाश, यही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि ये कहानी बहुत बाद की है, लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल की मान्यताओं की झलक मिलती है। एक विद्रोही जिसकी जात का पता नहीं एक वैश्य औरत से शादी करता है, उस औरत को एक ब्राह्मण से बेटा होता है जिसे एक क्षत्रिय राजा गोद लेता है, इससे जाति के उतार चढ़ाव का पता चलता है। चंद्रप्रभा के पिता के रूप में विद्रोही के अधिकार को ही मान्यता दी जाती है, ना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय के अधिकार को। व्यक्ति के अधिकार के संदर्भ में जाति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वर्ण विभाजन से मेहनत कश शूद्रों की हालत सदियों तक दयनीय बनी रही। आज भी गुजरात के बंधुआ मजदूरों के इस गीत में वही भावना छिपी है जो प्रारंभिक काल के दास और शूद्रों की रही होगी। मैं तम में जाता हूँ, मैं तम से आता हूँ, मैं तम में जाता हूँ, मैं तम से आता हूँ। मेरा सारा जीवन अंधियारा, मेरा सारा जीवन अंधियारा, नहीं किरण कोई उजियारा, नहीं किरण कोई उजियारा। मैं अंधकार में जाता हूँ, मैं अंधकार से भारत की जाति व्यवस्था में जरूर कई खूबियां रही होंगी, वरना ये इतने लंबे समय तक बरकरार नहीं रहती। मगर इस जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी खराबी थी कि इसने लोगों के एक बड़े समूह को निचले दर्जों पर रखा, उन्हें शिक्षा, तहजीब और आर्थिक तौर पर बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। अजीब लगता है कि भारतीय इतिहास में महान व्यक्तियों ने पुरोहितवाद और जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार आवाज उठाई, उसको मिटाने के लिए आंदोलन भी हुए, मगर फिर भी भाग्य की न बदलने वाली धारा की तरह जातिवाद का प्रभाव बढ़ता गया और भारतीय जीवन के पोर पोर में समा गया। आज के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि जाति व्यवस्था का टिकना अब नामुमकिन सा लगता है। इतनी प्राचीन और महान व्यवस्था के टूटने से सामाजिक जीवन बिखर सकता है, बदहाली बढ़ने की संभावना है, शायद आपस के संबंधों में वैशीपन आ जाए। अगर समय और जन चेतना के अनुकूल कोई नई सामाजिक व्यवस्था इसकी जगह न ले ले। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर,
जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर।